में वीडियो में जो समझाने जा रहा हूँ और इसे बारीकी से फार्मूला के द्वारा सॉल्व किया जा रहा है, और आप समझिए और एग्जाम में इसे बनाइए। तो आइए हमारे साथ बोर्ड पर, मैं इसे समझाता हूँ, देखिए कैसे है। ये एक ट्रायंगल है, इसमें ए डी दिया है, डी वी दिया है, ए ई दिया, और ई सी दिया है। डी वी पैरेलल है बी सी का, यानी डी समानांतर है बी सी का। ये ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा, जब डी पैरेलल बी सी है तो देखिए क्या हो जाता है, ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए बाय ई सी। इसको ब्रैकेट में लिखना रहता है, समानुपातिक आधारभूत परिमेय, यानी ए डी 9 6 by 10 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी 12x = 6 × 9 क्या हो जाएगा, 6 × 9 by 12 9 by 2 क्या हो जाएगा 4.5, जो भी हो सेंटीमीटर है तो इसको आप कर सकते हैं। यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद ये इसके साथ गुना हो जाएगा, और 9 × 6 इधर गुना हो जाएगा, और 12 क्या गुना से इधर क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 9 by 2 = क्या होता है 4.5। अब यहाँ देखिए, पेरीमीटर ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल, ये दोनों वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल यदि बराबर होता है तो त्रिज्या कितनी होती है। तो फार्मूला बैठे, वृत्त का परिमाप यानी पेरीमीटर 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए πr² = 2πr। अब यहाँ देखिए, इसको इस तरह लिखेंगे, πr × r = 2πr। अब एक r यहाँ रहने देंगे, 2πr = ये πr कहाँ जाएगा, नीचे πr, और πr क्या हो जाएगा खत्म। तो 2 यूनिट्स यानी 2 मात्रा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी वृत्त का परिमाप 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr², इसको सीधा हम कर लेंगे, πr² = 2πr को क्या करेंगे, πr × r, क्योंकि r² है, इसका जो 2πr, r यहाँ रहने देंगे, πr को ये साइड में लेते आएंगे, यानी ये लेके सारे चेस में आएगा, इधर गुना है इधर भाग में आएगा, तो πr खत्म हो जाएगा, r = 2 यूनिट्स